बैक टू माय चैनल, मैं हूँ ज्योति। कितना कितना ज्यादा चिल्लाया बच्चा, वॉइस ओवर करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, रॉन्ग टाइम पे रिकॉर्ड करोगे तो बेटा आपको यही मिलेगा, बच्चों का चिल्लाना ही मिलेगा, वॉइस ओवर करना पड़ेगा। हाय एवरीवन, वंस अगेन, सो आपको मेरा फेस देखने को मिल रहा होगा एंड मेरे ये हेयर मास्क मैंने लगा रखा है जिसको देख के मुझे हंसी आ रही है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर शेयर किया है, तो इंटरेस्टेड हो विजिट टू माय चैनल, यू ऑलवेज मोस्ट वेलकम। सो बिफोर वाला मेरा फेस आप देख सकते हो, आफ्टर वाला जो फेस होगा आप खुद ही कंपेरिजन कर लेना, जजमेंट कर लेना बिफोर एंड आफ्टर का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर लिया है क्लेंजर जो है मुरुक्कन अर्गन ऑयल क्लेंजर जो है श्लोका का, तो माइल्ड है बहुत ज़्यादा एंड सेंसिटिव स्किन को भी अच्छे से सूट करता है। सिंपली मैं अपने पोर्स को क्लीन कर रही हूँ इम्प्योरिटीज़ को, डर्ट को रिमूव करके, एंड यहाँ पर वॉश करने के बाद पैड ड्राई कर रही हूँ, टॉवल ड्राई कर रही हूँ। नंबर टू इज़ अगेन मुरुक्कन अर्गन ऑयल स्क्रब, तो मैं यहाँ पर एक्सफोलिएटिंग कर रही हूँ जो श्लोका का है। माइल्ड पार्टिकल्स हैं इसके, सेंसिटिव स्किन को अगेन बहुत अच्छे से सूट करता है। वॉश कर लिया है एंड पैड ड्राई करूँगी। टू स्टेप्स मैंने यहाँ पर करे हैं, वन मिनट्स ही इसमें लगा है अप्रॉक्सीमेटली। नंबर थ्री इज़ ये है टोनर, बिकॉज टोनर अप्लाई करना बहुत कंपलसरी होता है, इससे हमारे पोर्स जो होते हैं श्रिंक होते हैं एंड हमारे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है, एंड ये कुकुम्बर का है बायोटीक का। एंड नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मसाजिंग का, एंड मैं यहाँ पर कह रही हूँ ऑयली स्किन की हो ना तो इस स्टेप को स्किप कर देना, बिकॉज आपको ऑयली स्किन वालों को ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं लगाने चाहिए, एंड ये टिपिकल कोकोनट ऑयल है जो प्योर कोकोनट ऑयल है। बेसिकली मैं यहाँ पर मसाजिंग कर रही हूँ अपने फेस की, फेसल मसाजिंग से क्या होता है कि आपके फेस अच्छा सा लगता है, रेजुविनेट लगता है। सेपरेट वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखा है, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ जिस तरीके से मैं यहाँ पर फिंगर्स की हेल्प से मसाजिंग कर रही हूँ, तो उससे मेरे फेशियल मसल्स में बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो सिमिलरली इस तरीके से करना है, अमेजिंग इसका रिजल्ट आता है। एंड जैसे मैंने ऑयल अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली उसे रिमूव करना तो बनता ही बनता है, तो मैंने यहाँ पर एक रुमाल लिया है, उसे गीला कर लिया है, पूरे फेस को मैं स्वाइपिंग मोशन में क्लीन कर दिया है। एंड ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसे तो आप जानती हो, वायरल वीडियो में आपने देखा ही होगा, सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ माय फर्स्ट इंप्रेशन, एंड आफ्टर वन वीक टू वीक वाला मेरा इसका रिव्यू था वो मैंने शेयर किया था। ये है ग्रीन मास्क स्टिक, अमेजिंग इसका वर्क आता है मेरे लिए, तो किया है बाय द वे इसने। देखो आप देखो कितना डिफरेंस है पहले वाली स्किन एंड अभी वाली स्किन में, कितना डिफरेंस है। 10 मिनट्स रखा था, अब इसे मैं रिमूव कर रही हूँ गीले रुमाल से। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल पर इसका सेपरेट वीडियो देख लेना जाके। सो यार नेक्स्ट स्टेप है मेरा शीट मास्क, अगेन इसका भी सेपरेट वीडियो मैंने शेयर कर रखा है, बिकॉज ये शीट मास्क मैंने बाय नहीं किया है, ये मैंने DIY किया है, इट मीन्स ये होममेड शीट मास्क है। इसका सीरम भी मैंने घर पे बनाया एंड ये शीट मास्क भी मैंने खुद ही बनाया है। 10 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, 10 to 20 मिनट्स में रखूँगी, रिमूव करूँगी, अमेजिंग इसका रिजल्ट आता है, बिकॉज इसका जो सीरम है वो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है, पैम्पर करता है। एंड नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर स्टेप कर रही हूँ, अगेन टोनर अप्लाई किया है, वही मैंने बायोटिक का कुकुम्बर वाला टोनर अप्लाई किया। नेक्स्ट मैं यहाँ पर DIY क्रीम, आई क्रीम है ये, अंडर आई क्रीम, वो अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने ये घर पे ही बनाया था, तो आजकल मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, आजकल ये काफ़ी टाइम हो चुका है इसे अप्लाई करते हुए, बिकॉज ना मेरे आईज़ में ना सीरियसली पेन होने लग गया है, आई डोंट नो, मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गई हूँ, तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, ये रिंग फिंगर है, इससे मैं अच्छे से कर रही हूँ, बिल्कुल हार्श नहीं होना है, जेंटल होना है आपको। सो या तो मैं यहाँ पर मॉइस्चराइजिंग करूँगी, मेरे पपाया का हिबिस्कस श्लोका का मॉइस्चराइजर है, अगेन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है और डे लॉन्ग आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। सो या सी द ग्लो एंड सी द डिफरेंस, बिफोर एंड आफ्टर वाला डिफरेंस। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिप बाम लिया है, अर्बन कलर का लिप बाम है, ऑरेंज फ्लेवर में है, अच्छे से मैं इसे अप्लाई करूँगी, बिकॉज लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बनता है। सो या सी द ग्लो, आप ग्लो देख सकते हो, मुझे तो अपनी स्किन में बहुत ग्लो नजर आ रहा है, आप बताना आपको आ रहा है कि नहीं। सो आई होप आपको मेरा ये स्किन केयर पसंद आया हो, एंड जब भी मैं स्किन केयर करती हूँ तो मेरी स्किन मुझे बहुत ज्यादा हेल्दी, बहुत ज्यादा ग्लोई लगती है। आप देख सकते हो लाइव कि मैंने अपनी स्किन में सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज किया, अपनी स्किन को क्लीन किया है, इसे आप क्लीन अप भी कह सकते हो। सो अगर आप अपनी स्किन में क्लीन अप करते रहते हो, फेशियल करते रहते हो, तो आपकी स्किन ऑलवेज क्लीन रहती है, जिसकी वजह से यू नो आपको मेकअप की नीड नहीं होती है। अगर आप मेकअप करने से पहले अपना अच्छा खासा स्किन प्रेप कर लेते हो, आपका मेकअप यू नो ग्लाइड होगा बहुत अच्छे तरीके से एंड अच्छे से ब्लेंड भी होगा। तो मेरा हेयर मास्क अब हो चुका है पूरा टाइम, तो मैं इसे वॉश भी कर लेती हूँ। वीडियो पसंद आए तो भर भर के आपको लाइक करना है एंड शेयर कर दो भर भर के, एंड मेरे 50K सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा कराने में मुझे अच्छे से हेल्प कर दो। सो या भर भर के लाइक, भर भर के शेयर, सो कीप सपोर्टिंग मी टिल देन, बाय बाय।